मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। पत्रकारिता की दुनिया का एक ऐसा चेहरा जिसके देश और विदेश में लाखों चाहने वाले हैं, जिसके सामने बड़े बड़े नेताओं की जुबान बंद हो जाती थी, सोशल मीडिया पर जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो रोहित सरदाना अब नहीं है। कई दिनों तक कोरोना से जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई है। रोहित सरदाना हमेशा अपने परिवार और दो इन मासूम बेटियों के साथ अपना खाली समय बिताते थे। सरदाना की एक बूढ़ी माँ है जिन्हें कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। रोहित और उनकी पत्नी के बीच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखती है। पत्रकारिता और न्यूज रूम से जब भी उन्हें समय मिलता था, वो कुछ इस तरह से अपने छोटे से परिवार के साथ समय गुजारते थे। रोहित अक्सर अपनी इन दोनों बेटियों की तस्वीरें भी पोस्ट करते थे, जिन्हें देख कोई भी आज रो पड़ेगा। पत्नी और इन दोनों बच्चियों का आज संसार उजड़ गया है। रोहित सरदाना को कुछ दिनों पहले कोरोना हुआ था, उपचार चल रहा था, लेकिन गुरुवार की रात से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनको नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में रोहित सरदाना का उपचार चल रहा था और फिर शुक्रवार की दोपहर को वो जिंदगी और मौत से जंग हार गए। रोहित सरदाना के नाम बेस्ट एंकर के एंटी अवार्ड और एनिबा अवार्ड भी रहा है। इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका था। रोहित सरदाना ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से आरजे के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने ईटीवी, सहारा समय, जी न्यूज और फिर आज तक में अपने खास त्योरों वाली एंकरिंग से घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। आज तक के प्राइम शो दंगल के एंकर के तौर पर रोहित सरदाना ने टीवी एंकरिंग में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोग हासिल करते हैं। इससे पहले वो जी न्यूज के पॉपुलर शो ताल ठोक के को होस्ट करते थे। रोहित सरदाना की कई ऐसी स्टोरीज रही हैं जिन्होंने देश की खबरों का एजेंडा सेट किया, जिनमें से खास स्टोरियां जेएनयू में देश विरोधी नारे, कश्मीर में हुर्रियत नेताओं का पाकिस्तान का फंड कनेक्शन, पश्चिम बंगाल के मालदा और धूलागढ़ की सांप्रदायिक हिंसा, कैराना के पलायन का सच और तीन तलाक के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत, ग्राउंड पर जाकर चुनावी फिजा को भांपने और उसे जनता तक पहुंचाने में रोहित सरदाना को महारत हासिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।